Adun dana virmani sikha padin smad yoni Adun dana virmani sikha padin smad yoni Dhammapad Dandavaggo की पहली और दूसरी गाथा है, एक ही गाथा है लगभग, इसकी एक ही कहानी है। ये 129 और 130 129 एंड 130। छह भिक्खु होते हैं जो सीनियर होते हैं। एक बार वो एक बिहार में जाते हैं, वहां कुछ भिक्खु और होते हैं जो उनसे जूनियर होते हैं, सामनेर होते हैं एज के हिसाब से, यानी कि जो धम्म में एज है उसके हिसाब से। तो वो वहां जाके कहते हैं कि भाई हमें यहाँ रहना है, आप यहाँ से चले जाओ, या हम यहाँ ऐसा करेंगे, आप यहाँ मत करो, या आप भी करो हम भी करें। कुछ उनमें वाद विवाद होता है, वाद विवाद में बहुत ज्यादा मौखिक एक दूसरे के ऊपर बार होता है, फिर मारा पिटाकी भी नौबत आती है और एक दूसरे को मार पिटाई भी होती है। झगड़ा पहुंचता है भगवान के पास में, भगवान झगड़े को सुनते हैं और फिर ये दो गाथाएं कहते हैं। दरअसल एक बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि जैसे आजकल के समय में जो पहले शुरू में प्राइमरी स्कूल क्लास होती है 1 से लेकर 5वीं तक, फिर 5वीं से लेकर 8वीं तक, फिर 8 से लेकर 10 तक, फिर 10 से लेकर 12 तक, फिर 12 के बाद में ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद में मास्टर्स, और मास्टर के बाद में फिर फिलोसफर या दर्शन या दार्शनिक या PhD। जिस तरह से ये लेवल है और पूरी दुनिया में अलग अलग लेवल चलते हैं, उसी तरह से भगवान बुद्ध की जितनी भी शालाएं थी, यानी पाठशालाएं थी, या जितने भी जो सेंटर थे पढ़ाने के, एजुकेशन सेंटर थे, या जिनको यूनिवर्सिटी कहे चलती फिरती वो थी, उनमें भिक्खु आते थे, बिल्कुल नए आते थे, कुछ सीखते थे, उनकी एज पुरानी हो जाती थी, 10 साल की एज तक लगभग वो सामने रहते थे, फिर उनकी जो भिक्खु उनको बुला जाता था थेर बोलते थे, और जो 10 साल से 20 साल तक थेर रहता था उसको फिर महाथेर बोलते थे, और 10 साल से कम वाले को सामनेर बोलते थे, और सामने जो ट्रेनिंग करते थे, फिर उनके टेस्ट वगैरह होते थे जिसको उपसमता बोलते हैं, टेस्ट वगैरह होने के बाद में एग्जाम वगैरह होते थे, मौखिक रूप से सब उनका इंटरव्यू लेते थे, तब उनको ये कहते थे कि अब ये सामने से भिक्खु हुआ या नहीं हुआ, क्या कमियां क्या नहीं है, और महीने में 2 बार उनकी बड़ी क्लास लगती थी जिसमें वो अपना उपोषण करते थे। उपोषण का मतलब है कि जो उन्हें पढ़ाया है उसका और उपपोषण करना, ये उनका लगातार चलता रहता था, और 365 दिन 24 घंटे उनकी क्लासें चलती रहती थी, 24 घंटे मोबाइल क्लासें थी उनकी, और मोबाइल उनकी काम चलता था। तो वहां सारे चीजें बिल्कुल नेचुरल, जैसे आज के समय स्कूल में क्लास में होते हैं, बच्चों में झगड़ा होता है, आपस में लड़ते हैं, पिटते हैं, बाल खींचते हैं, नोचते हैं, मारते हैं, वैसे ही वहां भी होता था, क्योंकि हर तरह के भिक्खु आते थे। जो सीख गए हैं वो तो संयम हो गए, अपने आप को उन्होंने संयत कर लिया है, जो अभी नए नए आए हैं उन्हें तो अभी पता नहीं है कि राग क्या होता है, द्वेष क्या होता है, तो उनको चपेट में ले लेता है। इस तरह से वहां झगड़ा हुआ, झगड़ा होना वहां आम बात थी। जितने भी वहां झगड़े वाद विवाद होते थे, भगवान उनको एक नियम बना के और फिक्स कर देते थे कि आज के बाद अगर ऐसा झगड़ा होगा तो ये नियम चलेगा। तो यहां भी भगवान ने जो गाथा कही है वो इस प्रकार है, सब्बे तस्संति दंडस्य, सब्बे भयंती मच्चुनो, अत्तानंग उपमंग कत्वा, न हने न घाते। यानी सब्बे तस्संति दंडस्य, तस्ती माने होता है कांपना, यानी जो कांपता है उसको तस्ती बोलते हैं। तो सब्बे तस्संति, सब्बे तस्संति का मतलब है दंडस्य, सभी दंड से, यानी जो जो दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, सब उससे तस्संति माने कांपते हैं। सब्बे भयंती मच्चुनो, और सभी जो मृत्यु है, मच्चु है, उससे भयभीत होते हैं, यानी ये कोई भी दंड नहीं चाहता और कोई भी मरना नहीं चाहता। अत्तानंग उपमंग कत्वा, अत्तानंग माने अपने आप को, उपमंग माने रख के देखो, उपमा देखो, उदाहरण देखो, कत्वा माने करके, यानी कि जिसको आप पीट रहे हो, जिसको आप मार रहे हो, जिसको आप धौंस जमा रहे हो, उसकी जगह आप अपने आप को रख के देखो कि आपको कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है। न हने न घाते, ना ही हने करें, यानी कि ना ही तो हत्या करें और ना ही घात करें, ना ही हमला करें। ये वो पहली गाथा में कहते हैं, और फिर वही दूसरी गाथा कहते हैं जो 130 नंबर की है, सब्बे तस्संति दंडस्य, सब्बे संग जीवितंग पियंग, अत्तानंग उपमंग कत्वा, ने हने ने घाते। यानी सब्बे तस्संति दंडस्य, यानी कि सभी को दंड से कांपते हैं, सभी लोग सब्बे संग जीवितंग पिया, यानी सब्बे सबको, संग माने हैं निज को, यानी अपने आप को, सबको, सब अपने आप को क्या है, जीवितंग प्रिय, यानी जीवित रहना चाहते हैं, जीवन सबको अपने आप को प्रिय है, जैसे कहते हैं ना अपना जीवन अपने आप को प्रिय है। अत्तानंग उपमंग तत्वा,
इसको आप अपने ऊपर रख कर देखो, इसकी उपमा अपने आप पर करके देखो। न हने न घाते, ना ही मारे हत्या करें, ना ही घात लगाएं, ना ही हमला करें, ना ही घाव लगाएं, ऐसा उनको समझाते हैं और इस प्रकार वो झगड़ा शांत होता है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.